अब टीमेट की भर्ती का इंतजार और जेई की भर्ती का इंतजार बहुत सारे एस्पिरेंट कर रहे हैं। और 2700 भर्तियों को लेकर क्या अपडेट है, पहले 2600 थी बट अभी 2700 है और उसके साथ 200 पोस्टें जेई इलेक्ट्रिकल की हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड में। इसकी क्या अपडेट है, उससे पहले हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में जो भर्ती निकाली गई थी जिसमें 78 पोस्टें थी बट उनको रोका गया, स्थगित हो गया और उसके बाद हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में अभी तक जो है जेई की कोई भी पोस्ट नहीं आई। सभी लोग इंतजार कर रहे हैं इसी बात का कि कोई ना कोई पोस्ट निकाले, तो उसके लिए मैं आपको पूरी की पूरी क्लियरिटी इस वीडियो में देने वाला हूँ और कहाँ तक आपकी फाइल पहुँची हिमाचल प्रदेश में जो टीमेट की भर्ती को लेकर, उसके बारे में पूरी अपडेट इस वीडियो में की जाएगी। सारी चीज़ें आपको क्लियरली पता लगेंगी इस पूरी वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें। उससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो को लाइक करें ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। और उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इस तरह के आर्टिकल आपको हो जितने भी यूट्यूब हैं उनमें घूमते हुए नज़र आ ही गए होंगे। पर असल में बात क्या है, तो अभी मैं असल में अगर बात करूं तो इन आर्टिकल के बारे में और पुराने जितनी भी अभी तक मैं इसका ट्रैक रिकॉर्ड रख रहा हूं बिजली बोर्ड जो तकनीकी सहायक हैं, यानी अगर मैं बात करूं तो बिजली बोर्ड भर्ती के लिए भर्ती को लेकर इतना फ्रस्ट्रेशन है डिपार्टमेंट में कि उनको जो है स्टाफ की कमी इतनी ज़्यादा है। तो लगभग अगर बात की जाए तो स्टाफ की कमी 2700 पोस्टें बताई जा रही हैं बट जो आश्वासन जो हमारे सीएम सुखविंदर सुक्खू सरकार ने दिया है वो 2600 भर्तियों का दिया है बट कब आएंगी। उससे पहले भी जो भर्तियां थी जिसके बारे में मैं बार बार आपको आर्टिकल के माध्यम से और बता रहा था जितनी भी वीडियो में, उसकी भर्ती का कैबिनेट में जो मिल चुका है मंजूरी, तो आप सभी को पता ही होगा। देखिए भर्ती का इंतज़ार सभी लोग कर रहे हैं। अभी देखिए आपको पता ही होगा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में भर्ती आ गई है तो उसका जो नोटिफिकेशन है आपको कभी ना कभी नहीं अभी जल्द ही देखने को मिलेगा पब्लिक सर्विस कमीशन को खुला, जो जितनी भी पोस्टें हैं उनको जो लॉन्च करने के लिए यानी उनका नोटिफिकेशन निकालने के लिए आदेश मिल चुके हैं कैबिनेट मीटिंग से, जिसमें 2100 भर्तियाँ हैं। और लगभग आप सभी को पता ही होगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन TGT, RTGT, मेडिकल नॉन मेडिकल सभी लोगों से मैं ये बता देना चाहता हूँ, जेई इलेक्ट्रिकल हो या लाइनमैन SSC जो भी तैयारी कर रहा है तो मैं उसको ऑनलाइन एग्जाम ग्रुप के बारे में आप सभी को मैं जल्दी से बता दूं, तो हम कंडक्ट करवाते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कंडक्ट करवाती है ऑनलाइन एग्ज़ाम। हमने बहुत सारे एग्ज़ाम जो है अभी तक कंडक्ट कराए जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों ने भाग लिया, यानी बोलने की बात की जाए जो लोग पढ़ने के लिए अपना पेपर टेस्ट निकालने के लिए इस ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको मैं इस बारे में बता दूं कि हम एक हफ्ते में 3 एग्जाम लेते हैं एज पर रूल, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो नया रूल है उसके अकॉर्डिंग, और उनका रिजल्ट भी निकाला जाता है। देखिए आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि आपका पेपर निकलेगा या नहीं निकलेगा, उससे आपको मॉक टेस्ट जो है उसका प्रॉपर एग्जाम लिया जाता है ऑनलाइन एग्जाम, उसमें आपको प्राइज भी दिया जाता है, जो फर्स्ट प्राइज जो रखा जाता है वो 25 और सेकेंड जो है 10 और थर्ड जो है 5 और फोर्थ को जो है 5 रखा जाता है। देखिए जिस तरह से कैंडिडेट बढ़ते जा रहे हैं हम प्राइज बढ़ाते जाएंगे, हर टेस्ट में आपको प्राइज मिलेगा। एक हफ्ते में 3 टेस्ट लिए जाते हैं तो एक महीने में आपके कम से कम 12 टेस्ट एग्जाम जो है करवाए जाते हैं जिसमें 200 क्वेश्चन रहते हैं। ये स्पेशल जेई इलेक्ट्रिकल के लिए एग्जाम है क्योंकि इसमें जो है आपको पेपर 1 और पेपर 2 की तरह आपका एग्जाम लिया जाता है और आपकी प्रैक्टिस मॉक टेस्ट की कम से कम 2200 मॉक टेस्ट 2200 क्वेश्चन जो है आपके हो जाते हैं। ये कोई भी नहीं आज तक करवा पाया है एक महीने के अंदर। तो अभी मैं बात करूं तो जल्दी से जल्दी जो पोस्टें आ रही हैं, अगर टीमेट की बात की जाए तो लगभग अगर पूरी बात की जाए तो मैं बात कर रहा था कि बिजली बोर्ड में तकनीकी सहायक संघ यानी तकनीकी संघ जो था पहुंचा था आपका सचिवालय, तो वहां पर उन स्टाफ की कमी को लेकर 2700 पदों को भरने के लिए जो है मंजूरी जो है वहाँ से मांगी। कब, ये 17 तारीख को ही इसकी मीटिंग हुई थी, तो टीमेट के RNP रूल को लेकर भी वो उन्होंने बात की, टीमेट के जो RNP रूल यानी उनकी प्रमोशन को लेकर जो बातें हुई वहां उसको लेकर भी बदलाव किया जाए, ये जो है गवर्नमेंट से इसके बारे में बात की गई। और जेई इलेक्ट्रिकल में 200 जेई इलेक्ट्रिकल की 200 जो पोस्टें हैं उनमें से कुछ प्रमोशन के आधार पर
जो है की जाएँ। और जे इलेक्ट्रिकल में 200 क्वेश्चन और 200 पोस्टें, और उसके अलावा आपकी 78 पोस्टें, आगे बहुत सारी भर्ती और बहुत सारी जो पोस्टें हैं वो आने वाली हैं। और बिजली बोर्ड में अगर बात की जाए तो स्मार्ट मीटर को लेकर भी इसमें बात की गई थी, और आगे जो मीटिंग होने वाली है तक जो भी बिजली बोर्ड में भर्तियों को लेकर, स्पेशल भर्तियों को लेकर, वो 20 तारीख को होने वाली है, जो कि सचिवालय में ही होगी। और जो है पूरा हिमाचल प्रदेश का बिजली बोर्ड सचिवालय में पहुंचेगा, और तकनीकी संघ जो है जल्दी से जल्दी भर्तियों की कमी को लेकर जो है प्रस्ताव लाएगा कि जल्दी से जल्दी भर्ती की जाए। डिपार्टमेंट खुद ही जोर डाल रहा है इस भर्ती को निकालने के लिए, तो गवर्नमेंट क्यों इंतज़ार कर रही है, वो जल्दी से जल्दी भर्ती निकालेगी। आप सभी को पता है इस तरह की भर्ती को लेकर मैंने पहले भी वीडियो डाली थी। आप सभी को पता है अभी जो है आपका TGT आर्ट, TGT मेडिकल नॉन मेडिकल की भर्ती भी आ गई। आपको पता ही है इसको भरने के लिए जो है सिर्फ 1 महीना लगेगा, और 1 महीना आपके रोल नंबर निकालने के लिए लगेगा, यानी 2 महीने में आपका पेपर जो है कम से कम हो जाएगा जब भी नोटिफिकेशन निकलेगा। तो आप सभी को पता ही है जो लोग सालों से तैयारी कर रहे हैं उनकी प्रैक्टिस के लिए हम जो है ऑर्गेनाइज करवाते हैं अपना ऑनलाइन एग्जाम। तो आप जल्दी से जल्दी अगर जुड़ना चाहते हैं, जल्द ही ये भर्ती आएगी, जब ये भर्ती आएगी तब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो बहुत सारे लोग आपसे आगे पहुंच चुके होंगे, यानी उनकी तैयारी जो है और डबल हो चुकी होगी, क्योंकि मॉक टेस्ट ही एक ऐसी चीज है जो कि लोग अपना सिलेबस पूरा करने के बाद उनको लगाते हैं। पर आपको कॉम्पिटिशन दिया जाता है उन्हीं लोगों के साथ जिनके साथ आप फाइनल में एग्जाम देने वाले हैं, और आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी होती रहती है इस एग्जाम ग्रुप में। तो जल्दी से जल्दी जुड़ने के लिए आप जो लिंक है डिस्क्रिप्शन पर व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वहां से आप जुड़ सकते हैं, और जो है मॉक टेस्ट आप जो ऑनलाइन एग्जाम जो है हमारे ग्रुप में प्रीमियम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और आप सारे BIP रूल के अकॉर्डिंग जो है पब्लिक सर्विस कमीशन रूल के थ्रू आपका रिजल्ट भी निकाला जाता है, तो आपको प्राइज़ भी दिया जाता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।